गुस्से के बिना बच्चों को कैसे सुधारे, थ्री टिप्स, इसके बारे में आज बातचीत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। मैं इसे आपको तीन टिप्स बताने वाला हूं कि बच्चों को बिना गुस्से का कैसे हम सुधार सकते हैं, उसके बारे में। देखिए क्या होता है कि हम बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, हमको लगता है कि ये बराबर नहीं कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, उसको समझ नहीं है, तो हम प्यार से नहीं करेंगे। पहले लगे तो प्यार से करेंगे, फिर बाद में डांटेंगे, नहीं सुना। क्या होता है कि बच्चों के ऐसे समय होते हैं, दिन भर के 24 घंटे के दौरान ऐसे समय होते हैं कि जो समय में आप वो बातचीत करते हैं उनसे, तो उसका इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे वैसे ही हिप्नोटाइजेबल है, हिप्नोटाइजेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब सूचना ग्रहण करने की क्षमता जो है बच्चों में बहुत ज्यादा है। तो फिर हम ऐसे समय सूचना दे जिस समय वो सूचना लेने के लिए एकदम तैयार है। तो फिर तीन ऐसे कौन से समय, सबसे पहला समय जो है जब उनको बेड नंबर से हम उठाते हैं, तब पहला समय सुबह का, वो है केयरिंग का समय, केयरिंग, केयर करना। क्या होता है कि हम बच्चा सो रहा है तो हम चलो उठो, जल्दी उठो, स्कूल जाना नहीं क्या, कितना सोते रहते हो, बहुत आलसी बन गए, चलो उठो, ऐसे करके उनको खींचेंगे, हाथ पकड़ के बाहर बेड के निकालेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, डांटेंगे, धमकाएंगे, जो कुछ करना है वो करेंगे, और उसको बेड से बाहर निकाल के, उसको खींचते खींचते बाहर निकाल के बाथरूम की तरफ लेके जाएंगे, बेसिन तरफ लेके जाएंगे। तो ऐसा न करते हुए समझो हम उसके पास में जाके बैठते हैं, उसको प्यार से झप्पी देते हैं, बाल में से हाथ घुमाते हैं, प्यार से बोलते बेटा उठो, अभी उठने का समय हो गया, देखो आज का दिन बहुत ही कितना खुशहाल है, बहुत मजा आ रहा है आज, जल्दी उठो। तो ऐसा भी बोलते हैं तो बच्चा जल्दी भी उठेगा और उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्स जाएंगे। दूसरा जो समय है उसका, वो है डिनर का। फैमिलीज में ये पक्का रखना है कि भाई डिनर तो सबने साथ में करना ही करना, रात का खाना, रात का भोजन, कहीं भी कोई भी रहे तो रात का भोजन साथ में करना है। अभी डिनर के समय क्या करना है, डिनर के साथ में करना है शेयरिंग, सुनना। तो फिर शेयरिंग मतलब बच्चों को पूछना है कि भाई आपका दिन कैसे गया, स्कूल में क्या पढ़ा आपने, आपके दोस्त क्या बोले, आपको कहाँ बुरा लगा, क्या आपने नया सीखा, क्या नया कोई स्किल आपने सीखा, नई कोई हैबिट आपने डेवलप किया। तो बच्चों को शेयरिंग करने लगाने का है। अब बच्चे शेयरिंग कब करेंगे, जब आप खुद अपने बारे में शेयरिंग करेंगे, मेरा दिन कैसा गया, मैं ऑफिस में था या बिजनेस में था, वहाँ कैसी मजा आ गई, कितने लोगों को मैं मिला, उनके साथ में क्या बातचीत किया, मैंने बाहर खाना खाया क्या या घर पे खाना खाने के लिए जल्दी आ गया, मतलब जो भी कुछ करना है शेयरिंग, तो वो शेयरिंग करना है तो अपन ने बोलने का है, तो उसको मिलेगा कि हाँ ये भी शेयरिंग करते हैं मेरे पापा मम्मी, और वो भी फिर शेयरिंग करेगा, और जब वो शेयरिंग करता है तो अपन ने सुनने का है, उसको डांटना नहीं, ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट बीइंग विथ हिम, सुनने का। तीसरा जो समय है वो है रात को सोने का, मतलब जब नींद एक्चुअली लेता है उसके 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पहले। क्या होता है कि जब ऐसी आंखों के ऊपर नींद आई रहती है तो हाफ हिप्नोटाइज रहते हैं बच्चे। अभी उस समय बच्चों को यदि हम इंस्पिरेशनल कुछ स्टोरीज या वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस या कोई अनुशासन के नियम, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो यदि हम उनको बार बार सिखाते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसा हमारे दादाजी, मेरे बचपन में मुझे याद है, बोलते थे हाँ रस्ते के बाएं बाजू से चलो, हरदम सच्ची बोलना चाहिए, हरदम बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, बड़े घर में आते हैं तो उनको पैर छूना चाहिए, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए, ऐसा हम उनको मतलब वो सुनाते थे बार बार। तो उसका प्रभाव आज भी मेरे ऊपर है। तभी हम वो यदि करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो उस समय सोने के आधा घंटा पहले बहुत प्रभाव उसका होता है। उसी समय यदि उनको हम बड़े बड़े लोगों की कोई स्टोरीज सुनाते हैं, उन्होंने क्या उनके लाइफ में किया, या कोई मोटिवेशनल वीडियोस या कोई बुक पढ़ाते हैं, तो वो बहुत फायदेमंद होती है। तो वो है डेयरिंग का समय, डेयरिंग। तो पहला कौन सा है, केयरिंग सुबह, फिर बाद में शेयरिंग, और नेक्स्ट है डेयरिंग। ये तीनों टिप्स हम यदि हम इस्तेमाल करते हैं, तीन बातें, तो बिना गुस्से के बहुत अच्छे शेयरिंग में एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते हुए बच्चों की परवरिश हम करेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी पालक वर्ग को शेयर करो। आपको इसमें कुछ सवाल होंगे तो हमारी ऐप है, वो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप में आप सवाल जवाब वहाँ यदि करते हैं, मतलब सवाल करते हैं, तो उसके जवाब आपको हमारे ऐप से मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।